सबसे पहले आप बताएंगे हमें बेस के बारे में बताएं, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चित सबसे पहले आता है तो पहले बेस आता है। लाइनर में लगा, लाइनर में डुअल वाला डला हुआ है और सेट एक। नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आ गया हूं जो मुंगेली एक्सपो में डीजे सेटअप कैसे लगाए उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। दोस्तों, यह शॉप विश्वकर्मा कैबिनेट हाउस रायपुर का है और यह उनका लाइनरे है जो कि बहुत ही सुंदर लाइनरे दिखते हुए। दोस्तों, और इसके पैकेजिंग के बारे में बात करें तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस प्रकार से है। जैसे हम लोग कवर हटाते हैं, बॉक्स हटाते हैं, तो बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से फोम लगा कर दिया जाता है ताकि कोई डैमेज या नुकसान ना हो लाइनरे को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 6 लाइनरे और 6 डुअल। बारी बारी करके हम लोग लाइनरे को तो जमा लेते हैं एक के बाद एक, और उसके बाद फिर हम लोग डुअल बेस है उसको भी हम लोग लगाने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस सेटअप में कौन कौन से मास्टेड और कौन कौन से स्पीकर यूज किए जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग लाइनरे को जमा रहे हैं, तो यदि यार आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक अवश्य कीजिए, और आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि आप लोगों के हम लोग डीजे से रिलेटिव नए नए वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों, इस तरह हमने 5 लाइनरे को एक के ऊपर एक करके लगा चुके हैं और बारी है 6वें लाइनरे की। तो 6वें लाइनरे के लिए कुछ हम इस तरह का फ्रेम है, उसमें फ्रेम में लगाएंगे। आप लोगों को दिखाता हूँ, इस तरह है फ्रेम है, फ्रेम में हम लोग लगाते हैं। उसके बाद फिर हम इसे चैन पुल्ली की मदद से ऊपर टांग कर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, चलो जल्दी जल्दी हम लोग लगा लेते हैं, उसके बाद फिर बेस को भी तो जमाना भी बाकी है। और दोस्तों, हम लोगों ने तो पीछे से चैन पुल्ली की मदद से लाइनरे को ऊपर उठाते हैं, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, एक बंदे खींच रहे हैं चैन पुल्ली को, तो ऊपर हम लोग का लाइनरे आते जाता है और फिर हमने इसे फिक्स कर लेते हैं। और दोस्तों, जैसे ही हम लोग सभी लाइनरे को फिक्स कर लेते हैं, फिर लुक इस प्रकार से दिखाई देने लगता है। दोस्तों, यह फिटिंग आप लोगों को कैसे लग रहा है हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं, और मुंगेली एक्सपो आप गए थे कि नहीं गए थे इसको भी कमेंट में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, हम लोगों ने अब बेस को भी जमाना चालू कर देते हैं, तो बेस की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो आगे साउंड चेक भी आप लोगों को सुनने को मिलेगा, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और साथ ही में हम लोग भैया से भी बात किए हैं इस सेटअप के बारे में कि इस सेटअप में कौन कौन से स्पीकर यूज किए गए हैं और इस सेटअप की प्राइस कितना है, और साथ ही में इस सेटअप में कौन कौन से मॉसफेट उपयोग किए जाने वाले हैं इसके बारे में भी हम लोग पूरी जानकारी भैया से ले चुके हैं, तो आगे आप लोगों को पूरी जानकारी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हो इस तरीके से हम लोग का 6 डुअल हम लोग जमा चुके, और फिर दोस्तों सभी का सेटअप धीरे धीरे लग रहा है, इसीलिए लाइनरे ऊपर नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि ट्रस्ट अभी सभी का नीचे में लगा हुआ है, और हम लोग पट्टे वट्टे पूरे कंप्लीट कस कर रख देते हैं, और फिर जैसे ही सभी का सेटअप लग जाएगा फिर ट्रस्ट को ऊपर किया जाएगा, फिर हम लोग भी लाइनरे को ऊपर कर लेंगे। और दोस्तों, जब तक सभी का सेटअप नहीं जम जाता तब तक के लिए हम लोग नाश्ता करने के लिए चले जाते हैं, फिर आप लोगों को पूरे सेटअप जम जाने के बाद आप लोगों को दिखाता हूं। तो दोस्तों, पूरे सेटअप जम जाने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगता है। दोस्तों, यह सेटअप आप लोगों को कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताएं, और दोस्तों साउंड चेक का वीडियो आप लोग सुनने के लिए रेडी हो जाओ, और साथ ही में यदि आप हेडफोन नहीं लगाए हैं तो हेडफोन अवश्य लगा लें ताकि आप लोगों को बेटर साउंड क्वालिटी सुनने के लिए मिल सके। और दोस्तों, पूरा साउंड चेक का वीडियो हमारे चैनल पर डल चुका है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर साउंड चेक का फुल वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोगों को बिना देरी के दिखाता हूँ मैं साउंड चेक वीडियो।
सिर भाई, हमने तो इस सेटअप के जो फिटिंग है, जैसे कि कैसे जमाए, कैसे लाइन रेट आएंगे, वो सब देख लिए, तो इसके आगे के बारे में कुछ दिखाएंगे? जी बिल्कुल, इसी चीज़ के लिए अभी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि पूरा सेटअप का ए टू जेड वीडियो बनाया, कैसे सेट किए हैं यहाँ पर, हर सेटअप का जो सेटअप अपना यहाँ पर रखे हैं, लोडिंग की, जैसे कि लोडिंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर एक सेट करके रखे, तो हर सेटअप का नहीं बना पाए थे, क्योंकि एक ही टाइम में सभी का काम चल रहा था, तो प्रॉपर एक ही सेटअप का हम लोग बनाया है। तो अब इसके बारे में जानेंगे हम लोग, कौन कौन सा मशीन यूज किया है, कौन से लाइनरे में कौन सा स्पीकर है, बेस में कौन सा स्पीकर है। तो ज़रूरी है कि जितने भी हमारे भाई बंधु सभी साउंड सुन रहे हैं, अब सुनने के साथ साथ उनको तो आउटपुट अच्छा लग रहा है, जो उसके बाद इसके बारे में जानना चाहते हैं कि मशीन में क्या है, क्योंकि ये चाहते हैं कि बहुत सारे, मैं पहले ही एक बता चुका हूँ कि जैसे कि यहाँ पर सुनने को मिलता है, बाहर में नहीं मिलता, तो वो क्या कारण है, और वो सुनने को भी मिलेगा, तो कैसे सुनने को मिलेगा, इसके बारे में हम लोग भैया से बात करके ही पता चलेगा। और क्या बोलते हैं? भैया से बात करके ही पता चलेगा, लेकिन भैया तो अभी कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो हम लोग ने सोचा कि चलो देख कर हम ही बता देते क्या क्या लगा हुआ है। अरे भैया आ रहे, तो बोल रहे हैं कि भैया आ रहे हैं, तो आ रहे तो उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि देखो हम लोग ने तो इसका, आप लोग देख ही चुके होंगे, ये शायद दो पार्ट में डलेगा, डलेगा कि एक पार्ट में डलेगा, वो कोई फिक्स नहीं है। क्यों क्यों वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो भाई दो पार्ट में हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो को आप ही लोग नहीं देखते, आप लोग देखते हैं, देखते नहीं, तो हमें कोई टेंशन नहीं था, हम लोग 50 मिनट का भी वीडियो डाल देते, लेकिन आप लोग नहीं देते, इसलिए दो पार्ट करना पड़ेगा, हो सकता है। यदि एक पार्ट बनेगा तो भी कोई बात नहीं, यदि दो पार्ट बनेगा तो दो पार्ट में रहेगा। पहले में पार्ट में ये रहेगा कि हम लोग इस सेटअप को कैसे रखे, और बाकी कुछ कुछ सेटअप का भी लिए हैं कि कैसे यहाँ पर रखे, कैसे बेल्ट, कैसे, और फिर वायरिंग भी थोड़ा बहुत किए हैं शायद तक, उसको लिए हैं कि नहीं लें। पूरा बनाना संभव नहीं था, क्योंकि यहाँ से वायरिंग करेंगे वो ज़्यादा समझ नहीं आएगा, आप स्वयं देख कर रहेंगे ना तब ज़्यादा समझ आता है, इसलिए पूरा नहीं किया है, लेकिन हर संभव प्रयास किया है जितना आपको सहयोग मिल सके करके। तो और मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये बेस मुझे एक प्रॉपर मुझे कहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी लगा भाई, क्योंकि इसका जो बेस है ना बहुत ही सॉफ्ट है, जो कि लाइव साउंड के लिए बहुत ही अच्छा उपयोग किए जा सकते हैं, डीजे के लिए भी किए जा सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं लाइव के लिए जब करेंगे ना बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा आएगा। जी बिल्कुल लाइव के लिए बहुत अच्छा है, और डीजे के लिए भी, डीजे के लिए तो आप सुन ही रहे हैं अभी, जैसा कि साउंड चेक हो रहा है, कितना मधुर आवाज़ आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है, इसीलिए मैं सोचा पहले इस सेटअप का डिटेल से वीडियो बना लेता हूँ। और क्या बोलते हैं इसमें कौन कौन से स्पीकर लगे, इसके बारे में सारी कुछ जानकारी जानता हूँ, लेकिन भैया के आ जाने के बाद हम लोग बताएंगे, और साथ ही में उधर साउंड चेक चालू हो चुका है, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे इसके वीडियो को कुछ समय बाद बनाएं, कि जब तक साउंड चेक नहीं होते तब तक दिखाएं, साउंड चेक तो होने ही वाला है। और मैं अपने सभी सब्सक्राइबर बंधुओं, भाई बंधु, अपने डीजे भी वाले भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आपके लिए इतने बेहतरीन वीडियो ला रहे हैं, क्या ही बोलूं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ रहा है, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, उसके बाद के आगे का वीडियो फिर हम लोग आपको दिखाएंगे। इसमें कौन सा स्पीकर लगा है, लाइनरे में कौन सा स्पीकर लगा है, और उसके साथ साथ उसमें किचन कितने एचएफ है, और उस कौन से मशीन से बजाए जा रहे हैं, और इस बेस को भी कौन से मशीन से बजाए जा रहे हैं, सभी की जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, करना ही है। दोस्तों बहुत देर से हम लोग खुद बता रहे थे सेटअप के बारे में, लेकिन अब भैया हमारे सामने आ चुके हैं, अब उनसे जानेंगे इस सेटअप के बारे में। भैया सबसे पहले आप हमारे, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद भाई। और सबसे पहले आप बताएंगे हमें बेस के बारे में बताएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चित सबसे पहले आता है, तो पहले बेस आता है। ये बेस भाई पंजाब का बना हुआ है, ब्रांड है ऑडियोट्रैक, इसमें दो स्पीकर लगे हुए हैं 1500 वाट के, स्पीकर हो गया 1500 वाट का। उसके बाद फिर लाइनर के बारे में, लाइनर में डुअल 12 लगा है, और एचएफ लगी है 80 वाट की दो। मैं बात करना चाहूँगा कंसोल जोन को, सबसे ज़्यादा मांग रहेगी इस बार, जो भी सेटअप बजाते हैं उनका कंसोल जोन दिखाना है, क्योंकि सामने में अपना सेटअप खरीदने के बाद जब सेट करते तो हमारा वैसे नहीं बजता है, ऐसा बहुत ज़्यादा शिकायत आ रहा है, तो कंसोल जोन को दिखाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर आप समझाएंगे कौन से बेस में कौन से मशीन से कौन से बेस चल रहा है, कौन से लाइनरे चल रहे हैं। देखो ये जो बेस है ना उसके लिए 6800 वाट है हमारा, 6000 वाट का आएगा। अरे सब सामान तो इसलिए पार्ट करेंगे। ये हमारे बेस का एम्पलीफायर है, इसमें एक एक एम्पलीफायर में दो दो बेस डला हुआ है, 68 1 2 3, इसमें पूरा अपना 6 डुअल चल रहा है,
और लाइनर है इसमें चल रहा है। चालू कर रहा हूं। एक एम्पलीफायर में दो लाइनर, इसमें दो लाइनर, उसमें भी दो लाइनर। और ये डिजिटल 360 में पूरा चल रहा है इसमें। जैसे कि अपने 12 बेस के सिस्टम है, 6 डुअल है अपना, और तो इनको चलाने के लिए अधिकतर बहुत ज़्यादा शिकायत, तो इसीलिए मैं पूरा कंसोल का वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि चलाने के लिए हमें आउटपुट कम मिलता है। और अभी सुनने को मिला है तो आपका आउटपुट बहुत अच्छा लगा हमें, लेकिन जब हम चलाते हैं तो ऐसा क्या होता है कि उतना आउटपुट नहीं आ पाता। अब वो सेटिंग ऊपर रहता है भाई, अब जैसा सेटिंग करो। और जैसे चलाने के लिए हमें कितने बेस को कितने चलाने के लिए कितने के वी का जनरेटर की जरूरत? देखो, दो बेस और दो लाइनर चलाना है तो उसके लिए तो 10 केजी रेस्ट ठीक रहेगा। और इतने पूरे बड़े सेटअप लगाना है तो फिर आपको डीजी करना पड़ेगा 85 केवी का। और अपने सेटअप के बारे में बताते जाइए, कंसोल के बारे में क्या और कुछ नया है? ये एम्पलीफायर है, पूरा मेड इन इंडियन है, यह एक एक पार्ट्स इंडिया में ही बना है और इनका पूरा पार्ट्स मिल जाएगा मेरे यहाँ अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, बहुत ही सिंपल, और तो नहीं है ना आगे, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर सेटअप किया गया है, क्योंकि ज़्यादा तामझाम भी नहीं किया गया है, एकदम जैसे हम चलाते हैं अपने सेटअप में वैसा ही टाइप का अभी यहाँ सेटअप किया गया है। नहीं तो देखने को मिलेगा कुछ बड़े बड़े मशीनें। मैं जानना चाहूँगा इस सेटअप का प्राइस क्या? ये अभी तो ऑफर प्राइस चल रहा है, ये डुअल मिलेगा आपको 1,10,000 रुपये का और लाइनें भी आपको 1,10,000 में मिलेगा अभी का प्राइस। पूरे सिस्टम को मिलाकर, सबको मिलाकर बोले जाए तो वैसे तो इस पूरा सेटअप सिस्टम का प्राइस है 9.5 लाख रुपया, लेकिन आज जैसे बुक कराते हो तो 8.5 लाख रुपये में पूरा सेटअप मिल जाएगा आपको जी। आज अगर कोई बुक कराते तो मेरा वीडियो अभी तो नहीं डलेगा, लेकिन कुछ माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा, लाइव आकर भी मैं बता दूंगा। आज आप बुक कराते हैं तो 8.5 तक के सेटअप निकाल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना जरूरी है, क्योंकि मैं A to Z पूरे सेटअप लगाने तक के, जब अपने ट्रस में लाइनरें लगाए, उसके बाद बेस को सेटअप किए, उसके बाद मशीनें लगाए, A to Z इस वीडियो में आपको देखने को मिला। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।